माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एरर से दुनिया भर में हाहाकार। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत समेत कई देशों में उड़ानें प्रभावित। ज्यादातर देशों में रेल सेवा और बैंकिंग सेक्टर भी ठप। दुनिया भर में 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। ज्यादातर देशों में मैनुअल चेक इन एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिए जा रहे हैं हाथ से लिखे बोर्डिंग पास। ब्रिटेन का स्काई न्यूज भी ऑफ एयर। यूपी बीजेपी में जारी अनबन के बीच लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी और आरएसएस की कल से दो दिवसीय बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई और बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। पूरे यूपी में दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। दुकानों के मालिक का नाम और पता लिखना जरूरी। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। गोंडा ट्रेन हादसे में अब तक साजिश के सबूत नहीं। लोको पायलट ने हादसे के वक्त धमाके जैसी तेज आवाज का किया था दावा। रेलवे की हाई लेवल कमेटी कर रही जांच। लोकसभा चुनाव की कामयाबी के बाद यूपी में विधानसभा उपचुनाव में भी जारी रहेगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन। 10 सीट पर होने उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर फैसला रद्द। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कल पूरे प्रदेश में विपक्ष का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर पटना से रांची तक एक्शन में सीबीआई। सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के शक में रिम्स कॉलेज की एक मेडिकल छात्रा हिरासत में। कल पटना एम्स से हिरासत में लिए गए थे चार छात्र। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर पहुंची वॉशिम पुलिस। पुणे के कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को लेकर हो रही पूछताछ। दो नोटिस के बावजूद बयान दर्ज कराने थाने नहीं पहुंची खेड़कर। जयपुर में जबरदस्त बवाल। मुहर्रम के ताजिया पर आरोपी रजी कुरैशी की अभद्र टिप्पणी के बाद हंगामा। बवाल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। लंदन से वापस लाए गए शिवाजी महाराज के बाग नख का आज भव्य स्वागत। महाराष्ट्र के सतारा में होगा प्रदर्शनी। करीब 200 साल बाद भारत को वापस मिली है ऐतिहासिक धरोहर।